अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काफ़ी टाइम से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था मगर कुछ टाइम मिल नहीं रहा था रीज़न की वजह से, और ये टॉपिक कुछ लंबा था इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा था काफ़ी टाइम। आज बेसिकली जो टॉपिक है ना वो टीचर का टॉपिक है। टीचर हर किसी की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है, तो इस हवाले से जो ना मैं अपनी जो जर्नी है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। तो वैसे तो मेरे बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आज मैं आपके सामने हूँ उन टीचरों की वजह से हूँ। तो जैसे कि हमारे होते बहुत सारे दोस्त थे, उन बहुत सारे दोस्तों में कुछ बहुत बेस्ट होते हैं, उन कुछ बहुत बेस्टों में भी कुछ बहुत बेस्ट होते हैं। तो मेरी ऐसी कुछ टीचर हैं जो बहुत बेस्ट है, तो उनके बारे में आपको बताऊँगा मैं कि मैं उनसे क्या क्या सीखा और कहाँ सीखा। तो वैसे तो मेरे जो ना सबसे बेस्ट टीचरों में दो टीचर हैं, वैसे तीन टीचर हैं। सबसे पहली तो है मेरी माँ, वो सबसे बेस्ट टीचर है मेरी। जब से मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, मुझे खाना पीना उठना बैठना, बड़ों से कैसे बात करते छोटों से कैसे बात करते, वो सब कुछ मेरी माँ ने सिखाया, तो मेरी सबसे बेस्ट टीचर। दूसरे नंबर पर जो मेरे टीचर हैं वो है, मैं आज से तकरीबन कुछ 4 से 5 साल पहले की बात है कि मैं गुलशन इकबाल में एक इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे 4 साल के लिए कोर्स, 4 महीने के लिए सॉरी कोर्स करने के लिए गया था। शॉर्ट कोर्स था स्मॉल बिजनेस का। तो वहाँ मेरे जो मुझे टीचर थी मेरी, वो हमें जो ना जो स्मॉल बिजनेस का सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाती थी, इसके अलावा मैं मोटिवेट भी करती थी काफ़ी। तो वो मेरी काफ़ी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे, और आज आपके सामने हूँ तो एक उनके वजह से भी हूँ। तो दूसरी जो टीचर थी उनका भी, जहाँ मैं गया था कोरंग इंडस्ट्रीज एरिया में अमन टेक, वहाँ पे भी 4 महीने का कोर्स था सॉरी। तो वो कोर्स भी कुछ ऑफसेट पेंटिंग का कोर्स था, प्रैक्टिकल भी था थ्योरी भी था उसमें। तो वहाँ दो टीचर्स थे हमारे, एक प्रैक्टिकल कराते थे थ्योरी, तो ये मिस उनकी असिस्टेंट थी। तो फ्री टाइम में मिस हमें लेक्चर्स मोटिवेट करती थी, लेक्चर देती थी कि लाइफ को कैसे एंजॉय करना चाहिए, लाइफ में क्या बनना चाहिए क्या करना चाहिए, इस तरह की टॉपिक पे हमें क्लास को मोटिवेट करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो सुनते थे, बहुत सारे थे जो नहीं सुनते थे, तो मैं काफ़ी सुनता था उनकी बातें। तो उनकी बातें इतनी बारीक होती थी कि अंदर जाके जो खून की रगें होती ना, खून की रगों में जो है ना खून रुक जाता था, ऐसे खड़ा हो जाता था, यानी कि तो ऐसी अल्फाज होते थे उनके, मतलब बहुत टचिंग पुल होते थे उनके अल्फाज। तो उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया, बहुत मुतासिर किया उन्होंने, आज मैं आपके सामने हूँ तो एक उनकी वजह से हूँ। उन्होंने बहुत मुझे जो है ना बहुत मोटिवेट किया, तो इन दोनों टीचर का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने मुझ नालायक पे भरोसा किया और मुझ नालायक पे भरोसा करके इतना काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने यहाँ कुछ बनना चाह रहा हूँ, कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह बहुत सारे टीचर्स थी जब मैं छोटा था, तो 2 क्लास में शायद मैं पढ़ता था उस टाइम पर मेरी एक टीचर थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो भी काफ़ी जो है ना सपोर्टफुल टीचर थी, मुझे बहुत सपोर्ट करती थी वो। तो मैं जो है ना अभी भी बहुत नालायक किस्म का स्टूडेंट हूँ, मुझे अभी भी जो है ना लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोल मैं लेता हूँ थोड़ा बहुत, वो भी इन टीचरों की वजह से। तो ये है कि लाइफ में अगर आपको कोई एक लफ्ज़ सिखाए ना तो वो भी आपका टीचर है, आप टीचरों की रिस्पेक्ट करें, अगर भले वो आपका दोस्त क्यों ना हो तो टीचरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इसके अलावा स्टडी की लाइफ को हट के भी मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे पॉलिटिशियन लाइफ यानी कि सियासी लाइफ में भी मेरे बहुत सारे टीचर्स थे, सोशल मीडिया में मेरे बहुत सारे टीचर्स थे, जिनमें अंजुम भाई हो गए, और इसके अलावा मेहमुद भाई मेरे टीचर हैं, इसके अलावा फाखिर भाई मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे ग्राफिक का काम सिखाया, और आज जितने भी मैं ग्राफिक कर रहा हूँ उनकी वजह से सीख ही कर रहा हूँ। खुद भी बहुत कुछ सीखा मगर उनसे बहुत कुछ आइडिया लिया, बहुत कुछ सीखा उनसे। और इसके अलावा जो है ना सोशल मीडिया में ग्राउंड पे काम करने में जो है ना मासूम भाई से बहुत कुछ सीखा मैंने, हंस भाई जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया में
इंट्रोड्यूस करवाया, उनसे बहुत कुछ सीखा, और हमारे सेंट्रल जो पूरे पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम है उसमें जो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया जुबरान भाई ने, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे। इस तरह हर फील्ड में मुझे बहुत कुछ, बहुत सारे लोग मिले जिनने मुझे बहुत कुछ सिखाया। गिलगित बल्तिस्तान के सोशल मीडिया जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी मुलाकात अली ताज भाई से हुई, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा उनसे भी मैं। तो हर रास्ते में मैं जिन जिन से मिला उनसे बहुत कुछ सीखा, और जो मैं अपने इलाका और कराची के अंदर जो प्रमोट हुआ तो कामरान नियाजी भाई, इनसे मैं बहुत कुछ सीखा। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो इन्हीं की बदौलत बोल पा रहा हूँ। जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझसे मुझे एक अल्फाज भी सिखाया वो मेरे टीचर थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इंशाल्लाह हमेशा करता रहूँगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं टीचर की रिस्पेक्ट करता रहूँगा, और जो मुझे लोग सिखाएंगे मैं उनसे सीखता रहूँगा और मैं आप सबको सिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। सीखते भी रहिए आप खुद और सिखाते भी रहिए, क्योंकि सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती और सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती। जितना आप नॉलेज लेना चाहते हैं लेते रहें, आप सीखते रहें, सीखते रहें और आगे सिखाते रहें। जो मुझे जो है ना अमन टेक के अंदर 4 महीने के कोर्स में जिस टीचर ने बहुत कुछ सिखाया था, वो टीचर जो है ना मेरी सबसे बेहतरीन टीचर थी, और जो दूसरे स्मॉल बिजनेस वाली टीचर थी वो भी सबसे बेहतरीन टीचर थी। तो इनका जो अमन टेक वाली टीचर थी मिस जवेरिया नाम था इनका, इनका मैं नाम लेकिन इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने आज मैं आज आपके सामने जो भी अल्फाज बोल रहा हूँ, जो भी कुछ बोल रहा हूँ, जितना भी मैं आप कुछ यहाँ पे बोल पा रहा हूँ ये सब उन्हीं की वजह से है। आज मैं जितनी भी बोल चाल है ये उनकी वजह से ही मैं बोल पा रहा हूँ, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इनके वजह से मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल बनाया, मुझ नालायक पे भरोसा किया आपने। आज ही नालायक इस यूट्यूब के ज़रिए बहुत कुछ बनना चाह रहा है, छोटा सा कुछ बनना चाह रहा है, मगर आप इस नालायक के लिए दुआएं कीजिएगा ताकि ये बहुत कुछ बन सके और आपका भी नाम कर सके और अपना भी नाम कर सके। तो बाकी ये है कि टीचर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए अपने टीचरों का, और टीचरों को अपनी दुआओं में बहुत याद रखें, और बाकी ये अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम जो दुनिया के स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर को रिस्पेक्ट दें और उनको अपनी दुआ में याद रखें, और बाकी ये पाकिस्तान को जो है ना एक पुरअमन और खुशहाल मुल्क बनाएं, और अपने तमाम दोस्तों को दुआ में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।